जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ के लिए जीके जीएस का टॉप 200 प्रश्न जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये आरपीएफ के पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेचन की बात की गई है। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, यह सेट बनाने में जो है बहुत मेहनत लगा है, और इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं ये रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। और दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन जो है 1944 में हुआ था, इनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो दोस्तों, इनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो भूत कोला नृत्य का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सेट जो है आपके परीक्षा के पैटर्न पर ही बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है। तो दोस्तों, कार्बन गैस नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, कार्बन प्राकृतिक में उपधातु है, तो कार्बन उपधातु नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, कार्बन प्राकृतिक में धातु है, तो कार्बन जो है प्राकृतिक में धातु नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें, कार्बन प्राकृतिक में अधातु है, तो यस दोस्तों, कार्बन जो है प्राकृतिक में अधातु है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश यूपी की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सबसे अधिक था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, संयुक्त प्रांत को जो है वर्तमान में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था?
तो दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बंबई में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन बी की बात करें, जल के अणुओं का विभाजन ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यह भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यह भी होता है। लेकिन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे ये विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने जो है अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो मुगल शासक जो है जहांगीर ने जो है दोस्तों इसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जहांगीर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है वड़दता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है वड़दता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो साथियों नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों नीति आयोग को जो है पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, पारा का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों पारा का सामान्य नाम जो है क्विक सिल्वर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो साथियों सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो साथियों गोल गुंबज जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो साथियों शुक्र ग्रह जो है ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो साथियों, क्रिप्स मिशन जो है विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कृष्ट सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जो है उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंगा नदी को जो है उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों, आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो साथियों, पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, भोगाली बिहू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, भोगाली बिहू उत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है? तो साथियों, नेपाल हिमालय से जो है घाघरा नदी निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो दोस्तों, बैटरी में जो है ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो साथियों, रमप्पा मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वाकर कप जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आरपीएफ में पूछे जाएंगे, तो ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों, बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पाइका जो है ये उड़ीसा राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो साथियों वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, जीव विज्ञान में जो है IVF शब्द का पूर्ण रूप है? तो साथियों IVF शब्द का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों आकार में परिवर्तन जो है यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 में, इसकी अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला ने की थी और उनका नाम था एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को जो है वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो दोस्तों गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है वर्ष 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण मिला था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है वर्ष 1976 में किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम जो है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो दोस्तों डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, ड्रीम फ्रॉम माय फादर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ड्रीम फ्रॉम माय फादर जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य जो है इनमें से किस राज्य में प्रचलित है?
तो साथियों मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू, पुरातात्विक स्थल सरकोटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सरकोटा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो साथियों किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सेट जो है बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराया जाएगा, आपका समय भी बचत होगा, तो दोस्तों पूरा सेट आप लोग जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई जो है वेबर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पाँच, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर छः, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उज्जैन में जो है अगला कुंभ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो है सेट बिल्कुल आरपीएफ के परीक्षा पैटर्न पर लिया गया है, ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सात, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आठवां, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स ब्लिंक्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नौ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दस, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में जो है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सार्क में जो है टोटल 8 सदस्य देश हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कार्ल लिनियस को माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो साथियों भारत में जो है सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने जो की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो दोस्तों झूठ की पता लगाने वाली मशीन जो है पोलियोग्राफी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सत्रहवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, त्वचीय उत्तक, ये पशु उत्तक का प्रकार है। पेशीय उत्तक, यह भी जो है पशु उत्तक का प्रकार है। और संयोजी उत्तक, यह भी जो है पशु उत्तक का प्रकार है। लेकिन जो है ऑप्शन ए जो दिया है आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ये जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो साथियों सिख धर्म के पहले गुरु जो थे श्री गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा का कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बीसवां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो साथियों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों चेडी की उत्पत्ति जो है हिमाचल प्रदेश में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेईसवां प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो अपोलो 11 था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान पहली बार जो है वर्ष 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो साथियों मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों अमृत सेन को जो है आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 28 जून 1919 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उनतीसवां प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यह जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, केंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों केंडुली उत्सव जो है
पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो साथियों कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो है रैम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साथियों सहारा रेगिस्तान जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो साथियों माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो दोस्तों भारत जो है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, अहमद शाह बदावली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो साथियों अहमद शाह बदावली जो है ये अफगानिस्तान से भारत में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सैंतीसवां प्रश्न है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो है पाइसम सटवाइबम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है विजयी होगा का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों यह जो है ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों यह जो है 1964 के बाद से अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों अर्थ आवर प्रोग्राम जो है 2007 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती हैं? तो दोस्तों ग्रेनाइट चट्टाने जो है आग्नेय चट्टाने होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तिरालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऑप्शन ए है आगरा का किला, तो इसको जो है अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी, इसको भी जो है अकबर ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद, इसको जो है अकबर ने नहीं बनाया था। बुलंद दरवाजा, इसको भी अकबर ने बनवाया था। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों ये वाला जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उज्ज्वला योजना की शुभारंभ जो है 1 मई 2016 को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, 1947 से पहले जो है भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। दोस्तों 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, वाहनों में जो है रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो साथियों सम्राट अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों कलिंग के युद्ध में जो है लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई थी जिससे अशोक बहुत आहत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो साथियों डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों सिक्किम राज्य में जो है एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ये दोनों क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो साथियों बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, यह साइंस से प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो साथियों कार्य का एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पास्कल किसका इकाई होता है और डेसिबल किसका इकाई होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है मालगुडी डेज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो साथियों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो है संसदीय विशेषाधिकार यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो साथियों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चाइना मन शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में होता है? तो साथियों चाइना मन शब्द का प्रयोग जो है ये क्रिकेट खेल में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों करेंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश की आतंकवाद निरोध इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एनएसजी का प्रमुख जो है ये नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह मंदिर जो है राजस्थान राज्य में बना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से जो है प्रोफेसर मीना चरांदा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो साथियों मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21,
अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों DRDO का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। NABARD का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, लोकरंग महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों लोकरंग महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, 25वां प्रश्न है, पारंपरिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों कंबाला पर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सन 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो साथियों धन विधेयक के परिभाषा के बारे में जो है अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी जो है ये तीनों नदियां हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा तीनों नदियां हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातुओं के जो है अघातवर्धनता के गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो तथा भौतिक गुण जो है भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो है समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो साथियों, तैराक को पानी में तैरने के लिए जो है उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न है, एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? साथियों, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? तो साथियों, चोल राजवंश के पास जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे अधिकतम तन्य धातु जो है गोल्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, निर्वाचन आयोग के मुख्य यानी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, गोटी पुआ जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, सिग्मो महोत्सव जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, संगाई त्यौहार जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और साथियों, आपके एग्जाम में जो है यही पैटर्न रहेगा प्रश्नों का, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें एस्कार्बिक अम्ल, तो दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं पाया जाता है, तो पहला जो है सही सुमिलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, सही है। ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इमली में जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो साथियों बेरिक जल डमरू मध्य जो है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें पाक जल डमरू मध्य, तो ये जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है। तो साथियों हीराकुंडा बांध जो है ये महानदी पर बना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों जनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जो है त्रिपुरा असम मिजोरम ये तीनों राज्य शामिल हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को जो है आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी बिबियन डियोर्जियो ने जो है शुरुआत किए थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, छड़ चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई जो है विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह जो है एक लघु चुंबक होती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है हेग में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है क्षेत्र घास के मैदान सुमिलित नहीं है। तो अर्जेंटीना में जो है प्रेजी जो है घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो पहला जो है सही सुमिलित नहीं है। बाकी अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो तीनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना
इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है पेरियार नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो साथियों सरकारिया आयोग की स्थापना जो है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी? तो दोस्तों उस राजा का नाम जो है डेविड हेयर है, जिसने जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय है। समस्थानिक दोस्तों किसे कहते हैं? तो समस्थानिक जो है विभिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले को जो है समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष का गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म पहचानना है दोस्तों, ऑप्शन ए है आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 1983 में शामिल किया गया था, सही है। लाल किला दिल्ली 2007 में, ये भी सही है। सांची का स्पूत मध्य प्रदेश में जो की है इसको 1988 में नहीं शामिल किया गया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फतेहपुर सीकरी इसको जो है 1986 में शामिल किया गया था, ये भी सही है। कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन सी वाला जो है गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो दोस्तों सरल जो है ये भूप्रेक्षण उपग्रह है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में जो है 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। माथा में जो है 8 हड्डियां, चेहरे पे 14, कान पर 6 और कंठी अस्थि में जो है 1 हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बाईसवां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक उदाहरण है। तो दोस्तों सुंदरबन जो है एक मैग्रोव वन का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो साथियों प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन होता है। तो दोस्तों पाइरूवेट का विघटन जो है माइटोकांड्रिया में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पच्चीसवां प्रश्न है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस त्यौहार को असम में जो है माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मकर संक्रांति को जो है असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सत्ताईसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों सिविल संहिता से जो है अनुच्छेद 44 संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, इकाई वाट को जो है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो साथियों इकाई वाट को जो है एक वाट बराबर जो है एक वोल्ट गुणे एक एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो दोस्तों जिंक जो है ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, लेंस के कहां से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है? तो दोस्तों लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है बिना किसी विचलन के गुजरती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो साथियों फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चौंतीसवां प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा जो है किससे जुड़ी होती है? तो साथियों मानव हृदय में जो है फुसफुसीय शिरा बाह्य अलिंद से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल गजट के संस्थापक थे जेके हिक्की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका का बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कोशिका के अवयव को जो है उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों समानता की परिभाषा जो है अनुच्छेद 14 में दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो साथियों पूर्वोत्तर भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, भारी जल के नामांकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो साथियों 1773 में जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन बने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तक तहकीक माल हिंद जो है किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलबरूनी ने लिखी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दमन और दीप की लिंगानुपात सबसे कम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो साथियों सीधी कार्रवाई दिवस को जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,